बिहार बोर्ड क्लास 11th जनवरी मासिक परीक्षा का देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है मेरे पास, फटाफट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बना लेना, देख सकते हैं जनवरी का है। चलिए हम पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा जिसमें आपको 25 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बताऊंगा। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है अक्टेट नियम किस अणु के लिए मान्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, SF2। आप लोग प्रश्न मिला लीजिएगा उसके बाद छापिएगा। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि वह अणु जो लुईस अम्ल नहीं है, तो इसका राइट आंसर 2 का आपका सी हो जाएगा, CCl4। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है 1σ आबंध किसके अतिव्यापन से बनता है, तो 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए फटाफट मैं आपको आंसर बताता हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूँ। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है सबसे मजबूत बंधन है, तो 4 का राइट आंसर जो आपका 4 का ए हो जाएगा, 1s-1s, ठीक ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है ब्रांड क्रम जितना अधिक होगा उतना ही अधिक होगा, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर, पूरा रट लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगले एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व के अनुचुंबकीय द्विपरमाणुक अणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2, ठीक ना। चलिए देख सकते हैं जनवरी का ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है किस अणु का आकार रैखिक होता है, तो 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, SO2। 8 नंबर कर रहा है किस अणु में सभी बंध बराबर नहीं होते हैं, तो 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, AlF3। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न कर रहा है ओजोन अणु का कोणीय आकार होता है, तो 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 9 का। चलिए फटाफट हम बताते हैं, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है यौगिक एक्स में सभी बंधन कोण बिल्कुल 109° 28' है, तो एक्स है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि OF2 में बंधन बनाने के लिए कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलेप होते हैं, तो इसका राइट आंसर 11 का आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल है, तो इसका राइट आंसर 12 का आपका ए हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा है शून्य द्विध्रुव आधुर्ण वाला अणु है, तो 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, BF3। 14 नंबर कह रहा है कि PCl5 और ध्रुवीय है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर 14 का आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 15 नंबर कह रहा है किस अणु का द्विध्रुव आधुर्ण का मान उच्चतम होता है, तो 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, HCl। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न कर रहा है वह आयन जो CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है और जिसका आबंध क्रम समान है, तो इसका राइट आंसर आपका 16 का डी हो जाएगा। 17 कह रहा है कि आणविक कक्षाइय सिद्धांत के आधार पर CO अणु का आबंध क्रम है, तो 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर कह रहा है कि O2 में प्रति आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है, तो 18 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम बंध ऊर्जा वाली प्रजाति है, तो 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, N2। 20 नंबर कह रहा है उप सह संयोजक बंध युक्त यौगिक है, तो 20 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, SO3। उसके बाद देख सकते हैं जनवरी का पेपर है, पूरा रट लेना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। 21 नंबर कह रहा है कि डॉट में अंतरण्विक हाइड्रोजन बंद मौजूद नहीं होते हैं, तो 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 का है बर्फ में पानी के अणुओं द्वारा बनने वाले हाइड्रोजन बंधनों की अधिकतम संख्या होती है, तो 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 23 नंबर कह रहा है बर्न हेवर चक्र का प्रयोग मुख्यतः डॉट निर्धारण के लिए किया जाता है, तो 23 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर कह रहा है कि जल में आयनिक यौगिक के विघटन के लिए उत्तरदायी बल है, तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, द्विध्रुवीय बल, ठीक ना। 25 कह रहा है सर्वाधिक संयोजी हेलाइड है, तो इसका राइट आंसर 25 का आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। तो हम 25 आंसर बता दिए, 25 आपको बनाना
निकालना है। बाकी आप ऑब्जेक्टिव मिला सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इसका आंसर हमें नहीं मिला है, नहीं निकाले हैं क्योंकि समय बहुत कम था। चलिए सब्जेक्टिव दिखा देते हैं क्या क्या पूछा गया है, देख सकते हैं यह सब्जेक्टिव प्रश्न रहा, ठीक ना। इसका भी आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका भी आंसर बहुत जल्द निकाल देंगे। देख सकते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न आप, ठीक ना। सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। अगर PDF डाउनलोड करना है तो गूगल पर सर्च कीजिएगा SK नॉलेज क्लास, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। हम PDF लगा दिए हैं।